गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और राजस्थान के फर्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस अभी सुबह के बजे 10:15 है और जल्दी उठ गए आज, सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। 10-12 मतलब ऐसे एक हफ्ता हो गया यहाँ आके, पर मैं सोचा थोड़ा ब्लॉग से मतलब थोड़ा रेस्ट कर रहे थे और गैप ले रहे थे, और आज से वापस ब्लॉग चालू किया। तो अभी रेगुलर ब्लॉग करेंगे ताकि थोड़ा हमारे पास स्टॉक हो जाए ब्लॉग्स का, और फिर कलकत्ता जाके अपलोड करते रहे। और इतना अच्छा मौसम रोक के रखा है, मतलब सनराइज अब तक हुआ नहीं है पर हवा इतनी चल रही है भयंकर। देखिए आपको दिखाता हूँ, तो वैसे हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही है और अभी बीच में थोड़ी स्टॉप हुई, इसलिए सोचा कि वीडियो चालू कर दूँ। बाकी देखिए हवा चलने का कारण ये देखिए, नतीजा देखिए, हम लोग भी सब ऐसे ही उड़ के सो रहे थे यहाँ पे। तो कैसे देखिए, लास्ट ईयर जैसा कि आपने देखा था व्लॉग्स में, अपने अपने खेत में लगाए थे लेमन के पेड़, और यहाँ पे थोड़े आम वगैरह सब फ्रूट्स वगैरह लगाए थे। तो अभी थोड़े थोड़े बड़े हो गए, मैं जूम करता हूँ, टाइम लगता है इनको बड़े होने में और नींबू लगने में। तो कैसे मैं आ गया हूँ गार्डन में, और चलिए अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल कार्डियो और 20 किलो का सेट है जिम का, डंबल नहीं सॉरी वो प्लेट्स है छोटे छोटे, तो उसमें चालू करते हैं और आप टाइम लेप्स एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा। तो गाइस वर्कआउट वगैरह डन, और अच्छा वर्कआउट रहा, बहुत दिनों बाद किया, मज़ा आया बाइसेप ट्राइसेप का। और अभी हम आए अपने गौ माता के पास, तो चलिए थोड़ा उनके ऊपर हाथ घुमाते हैं, प्यार करते हैं। रोज का मतलब है ये, जब से आया तब से मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह एकदम। हम भोली भाली, एकदम भोली भाली। और इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। तो गाइस मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे अपने 3 काउ है, तो बाहर 2 और थी, ये दिखाना भूल गया, एक छोटा बुल प्लस काफ, इनको अभी वहाँ बांधेंगे उस साइड में। अरे 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 आगे अपनी मम्मी के पास। A few moments later. तो कैसे अभी मैं और शिव बात करके हो गए रेडी, और यहाँ पे 5-10 किलोमीटर दूर पास में गांव है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं, कुछ काम है पापा का तो काम निपटा के, और उसके आगे गांव है जहाँ पे फेमस मावा मिलता है, तो वहाँ से सोच रहे कि मावा भी लेके आए, क्योंकि राजस्थान में आ जाता भी खाने का मौका मिलता है, तो ये फटाफट लेके आते हैं और काम निपटाते हैं और फिर चलते हैं घर। चलिए भाई, तो यार देख सकते हैं हमारी ये जो गाय है कैसे पापा को प्यार कर रही है, अब मजा आ रहा है। 2000 years later. तो कैसे अभी शाम के बजे 7, और हमारे गांव से कुछ 44 किलोमीटर दूर कालंद्री करके गांव है, जहाँ पे ब्रह्मा जी का हमारे वहाँ मंदिर है, और यहाँ पे ऑल इंडिया मतलब अखिल भारतीय राजपूत समाज, हमारा जो समाज है उसका वॉलीबॉल का टूर्नामेंट है, और फुल इंडिया से आएगी, मतलब डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए सिरोही जालोर, अपना तो जालोर सिरोही पाली के टॉप टीम्स आएंगी, और देखने प्लेयर्स देखने मजा आएगा, मैचेस देखने मजा आएगा, कुछ 34 इतनी की टीम है, तो 2 दिन चलेगा और देखते हैं मैचेस वगैरह, और चलिए अंदर चलते हैं। तो वैसे देखिए ये है राजपुरोहित समाज भवन ब्रह्मधाम, और यहाँ पे 2 कोर्ट्स हैं, एक में 24 मैच होंगे और एक में 24 मैच होंगे, लीग मैचेस है हाँ सीओ, सीएम तो यहाँ एडवर्टाइज करने आया अपने SRP वीडियोस का, मुझे ही बोल रहे थे पापा और सीओ बोल रहे, मैंने बोला चलो कोई नहीं अपन अलग ही पहनेंगे। तो चलिए अभी मैच अपना फर्स्ट 8 नंबर पे। तो बस जैसा कि मुझे उम्मीद थी वैसा ही हुआ, और यहाँ पे सबको टी शर्ट्स वगैरह देते, मतलब 3-4 कलर के ऐसे फिक्स है, खाली पीछे गांव का नाम ऐसे कुछ लिखा है, टीम का नाम शायद नहीं लिखा है, नहीं वो सब टीम का। ये देखिए गाइस ये हमारे टी शर्ट का कलर, ये अच्छा ये खाली टी शर्ट के स्पॉन्सर वगैरह उनका नाम है बस, चलो कोई नहीं 3-4 कलर आ रहा है, तो अभी ये टी शर्ट चेंज करते हैं और बाकी अपना कार में रख देते। देख सकते हैं वो टूर्नामेंट में इतनी अच्छी खाने की सुविधा की है, तो अभी खा लेते हैं। तो गाइस हम लोग का फर्स्ट मैच हो गया है कम्प्लीट, और हम लोग जीत गए, अभी सेकंड मैच कब होगा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, तो थोड़ी देर वेट कर रहे हैं और दूसरों के मैचेस देख रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं। तो गाइस हम लोग का सेकंड मैच भी हो गया, और एक्चुअली वहाँ पे फ़ोन वगैरह हम लोग मतलब रख नहीं पाते, इसलिए पॉकेट में रखें तो अनकंफर्टेबल रहता है, इसलिए कार में रख देते फ़ोन, और सेकंड मैच भी हम लोग जीत गए, और रिकॉर्डिंग करना मैं भी चाहता हूँ, पर अभी किसको फ़ोन दूँ, किस पे ट्रस्ट करके ऐसे, तो सोचा कि चलो गाड़ी में रख देते, हम सबका फ़ोन पूरे टीम का फ़ोन कार में रख दिया,
और गाइज बहुत सारी टीम है टॉप टीम से, और एक जो जो प्लेयर है समाज के हम लोग के मतलब टॉप प्लेयर से उनसे भी मैं मिला, और फिक्स है कि उनकी टीम जीतने वाली है। पर क्या कर सकते हैं प्रोफेशनल है, अपन अभी गांव में आए और समाज लेवल का है, कम से कम यहाँ पे हजारों प्लेयर्स वगैरह, हजारों बोले तो पूरी पब्लिक सब मिला, हाँ प्लेयर्स और पब्लिक देखने वाले सब मिला के हजार के ऊपर होंगे, और आज और कल चलेगा तो सोच रहे कि सबसे मिल भी लेंगे और अपना एंजॉयमेंट हो जाएगा। ट्राई करते हैं जितना हो सकता है, पता है टूर्नामेंट तो टूर्नामेंट तो नहीं जीतेंगे, वो तो पता ही है, भी है यहाँ पे। पर देखते हैं अभी दो मैच जीते और जहाँ तक पहुंचेंगे वहां तक ठीक है, वरना फिर ठीक है चलेंगे अपने। तो गाइस यहाँ आके मुझे पता चला कि ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है ये 1961 में बना हुआ है, मतलब जो आसोत्रा जो मेन टेम्पल है ब्रह्मा जी का वो 1983 में बना है, हाँ 1983 ऐसा बोल रहे थे अंकल, ये 61 का फिक्स है। देखिए ओल्डेस्ट है, थोड़ा वाइट कर देता हूँ इसको, बहुत ही मतलब शानदार है। तो गाइस ये जो सेंटर में है ये हमारे समाज के जाने माने खिलाड़ी है जीतू नारवा बोल के, बेस्ट प्लेयर ऑफ राजपुरोहित समाज। तो गाइस 32 में से 8 टीमें बची और उसमें से एक टीम हमारी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और 25 टीमें के आसपास आई थी, 32 ऐसा तो बोलते हैं पर 25-26 ही आई थी उसमें से 8, मतलब एक टीम हमारी 8 में से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो गाइस सुबह के बज रहे 5 और अभी थोड़ी देर में सनराइज़ हो जाएगा, 1.5 घंटे में मैचेस वगैरह कंप्लीट, सेमीफाइनल और फाइनल कल होगा, तो हम लोग नहीं आएंगे, जो जो अच्छी वाली टीम के मैचेस थे हमने आज देख लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस अभी सुबह के बज रहे 6:15 और जस्ट हम लोग घर पहुंचे और देख सकते हैं एकदम मैंने शूज़ वगैरह हाथ में ले लिए और मतलब थक गया बिल्कुल, और उधर देखिए सनराइज़ होने को है, तो अभी चलते फटाफट घर में, और अभी मैं सोऊंगा नहीं, प्लान नहीं है, 10-11 बजे बाद में आफ्टरनून में 2-3 घंटे सो जाएंगे, ठीक है तो ना पहले तो कुछ खाएंगे, मैगी बना लेते हैं। तो भाई सीएम यहाँ बना रहा है मैगी और 2 पैकेट बना रहा है, मिल के हम लोग खा लेंगे, और उधर गार्डन में पापा रेस्ट कर रहे हैं मस्त ठंडी ठंडी हवा में। तो गाइस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। राजस्थान के जो ब्लॉग्स हैं वो अभी से मतलब कंटिन्यू आएंगे, रेगुलर आएंगे, तो तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, बाय।